शंख बजाना प्रारंभ करते समय गर्दन उठाएं। ऊर्ध्व यानी ऊपर की दिशा की ओर मन एकाग्र करें। आंखें मूंद लें व ऊर्ध्व दिशा से प्रक्षेपित होने वाले ईश्वरीय मारक तरंगों का आवाहन कर उन्हें जागृत कर रहे हैं ऐसा भाव रखें। हो सके तो पहले श्वास से छाती भर लें व एक ही श्वास में शंख बजाएं। शंख को एक ही श्वास में बजाने से वातावरण में घूमने वाली सूक्ष्म ध्वनि वातावरण में अधिक समय तक स्थिर रह पाती है। इसके सामर्थ्य से कष्टदायी शक्तियों के आवरण को भेदना संभव होता है। शंख ध्वनि का आरंभ धीमे स्वर में करें, फिर धीरे धीरे स्वर बढ़ाते जाएं व उसे वहीं पर छोड़ दें। शंखनाद का महत्व व उसका परिणाम हमने शब्दों में तो समझ लिया, परंतु सूक्ष्म स्तर पर होने वाली गतिविधियाँ यदि हम देखें तो यह बात हमें अधिक स्पष्ट होगी। तो समझ लेते हैं एक सूक्ष्म चित्र द्वारा। वातावरण में शक्ति के तरंगे व चैतन्य के वलय प्रक्षेपित होते हैं, साथ ही वातावरण में आनंद के गुलाबी कणों का भी प्रक्षेपण होता है। इस कारण कष्टदायी शक्तियों को कष्ट होता है और वे दूर हटती है। शंखनाद के समय उपस्थित व्यक्ति पर भी शंखनाद का परिणाम होता है। उन्हें शक्ति भाव व चैतन्य की अनुभूति होती है। यह मुद्दा अधिक स्पष्ट हो इसलिए आइए देखते हैं एक सूक्ष्म चित्र। शंखनाद के समय शंख में चैतन्य आकृष्ट होता है। शंख की ओर कृष्ण तत्व आकृष्ट होता है। बाद में यह कृष्ण तत्व शंख में कार्यरत होता है। शंखनाद से यह चैतन्य कार्यरत होकर वातावरण में प्रक्षेपित होता है व व्यक्ति को यह चैतन्य मिलता है। इससे व्यक्ति में चैतन्य जागृत होकर व्यक्ति का नाम जप आरंभ होता है। शंख से नाद तरंगे व आकाश तत्व की तरंगे प्रक्षेपित होती है। इन नाद तरंगों के कारण व्यक्ति में तारक शक्ति जागृत होकर आज्ञा चक्र की ओर प्रवाहित होती है। इससे व्यक्ति शांति का अनुभव करती है। शक्ति व कृष्ण तत्व के कण व्यक्ति की ओर आकृष्ट होते हैं व व्यक्ति के चारों ओर सात्विकता का कवच निर्माण होता है। इन सब सूक्ष्म चित्रों से व दृश्यों से आपके समझ में आया होगा कि आरती से पूर्व शंखनाद का अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व है।